ये देख सकते हैं यहाँ पे गेट नंबर 2 के पास कुछ ऐसा ऊपर की साइड राम मंदिर बनाया गया है। अब यहाँ से आप ये व्यू देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 उधर, इधर के साइड देखिए दोस्तों, ये रेलवे ट्रैक जो है 3 नंबर पे इसको लगाया जा रहा है। इधर के साइड थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने आपको मोहरा बाजार वाली वीडियो दिखाई थी वो फ्लाईओवर की, तो हमने बोला था कि आपको हम रेलवे स्टेशन की वीडियो का भी अपडेट देंगे। तो अभी हम खड़े हैं ठीक अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये पुराना है और नया इस साइड जो है, और पीछे के साइड जो है टीन शेड वगैरह भी आप देख रहे होंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों का हम आपको अपडेट देने चल रहे हैं, मतलब कितना काम हो चुका है 22 जनवरी को लेकर, किस प्रकार से अगल बगल तैयारियां हो रही हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये है पुराना वाला रेलवे स्टेशन, टिकट घर वगैरह इधर साइड, और नया वाला इधर के साइड है। और यहाँ से ये ठीक सामने राम जन्मभूमि जाने वाला मार्ग, जो कि भी बहुत ही जल्दी ये वाइडर होगा। सामने यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे बहुत ही पास है, देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है वे टू श्री राम मंदिर, मेन रूट 1 किलोमीटर की दूरी पे, फिर वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे प्रभु श्री राम जी का मंदिर, कंप्लीट मिला के 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। और इधर आपको दिखाते हैं, ये देखिए घास वगैरह लगी थी यार, लगभग सूख चुके, पानी का छिड़काव नहीं किया गया था क्या। ये भी देखिए पेड़, ये सब बंदर भैया लोग का कमाल है जो इसको पेड़ को पनपने नहीं दे रहे हैं। ये सामने इधर के साइड देखिए आप, कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। इस समय चौक चौबन बहुत ज़्यादा है, ATS वगैरह देख सकते हैं आई हुई है। अब काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, देखिए जैसा कि मैं बता रहा था कि बंदर भाई लोग को देखिए कितने सारे हैं। अब रेलवे स्टेशन आप यहाँ से एक बार नज़र डालिए, कितना अद्भुत, कितना बेहतरीन, कितना अच्छा डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें। अब देखिए एक इधर से बनाया गया, जैसे उस साइड से आने के लिए इधर से भी आ सकते हैं, इधर से 4-व्हीलर वगैरह आ सकती है। और यहाँ से देखिए कुछ दर्शाया गया है, इसको हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या चीज़ कहाँ पे कैसे है, यहाँ पे देख के आप मतलब जान सकते हैं। अब देखिए कितना बड़ा, कितनी दूर तक, कितना सुंदर देखने में लग रहा है। गेट नंबर 1, मतलब करीब 7 गेट वहाँ तक बनाए गए हैं। और बीच में देखिए पेड़ पौधे, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, ये देखिए यहाँ पे, ये तो भैया ठीक ठाक है, अच्छे से मतलब इनका ध्यान दिया जा रहा है मुझे लग रहा है। और ऐसी लाइटें देखिए पिलर से लगाई गई हैं कि रात में काफ़ी अच्छा देखने में लगे। अब ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट, यहाँ से आप देख सकते हैं जिसका कि निर्माण कार्य चल रहा था बहुत ही तेज़ी से। अभी देखते हैं, चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं किस प्रकार से अंदर काम हो रहे हैं। गेट नंबर 5, देखिए बहुत सारी सुविधाएं इधर के साइड, जो चेकिंग पॉइंट कैसे क्या चीज़ चेक होगा, ये सारी चीज़ें अंदर के साइड इंस्टॉल हो रही है। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये देखिए पूरी की पूरी जो मशीनें हैं यहाँ पे लगाई गई हैं। ये अब देखिए ये चीज़ लगाने के लिए ये वाला बड़ा सा शीशा पिछली वीडियो में निकाला जा रहा था। अब देखिए ये पूरा कितना बड़ा ऊपर के देखो फैन लगाया गया है। आप ये देखिए सामने गिलहरी कल्याण ज्वेलर्स वाले भी अपना पूरा स्पॉन्सर किए हुए हैं इसमें, बहुत ही अच्छा आवाज आपको देखने को मिल रहा होगा। एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, देखिए जो आर्टवर्क किया जा रहा था वॉल पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे गेट नंबर 2 के पास कुछ ऐसा ऊपर के साइड राम मंदिर बनाया गया है, उधर के साइड कुछ बनाया गया उसको आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे जो है सामने ट्रेनों का मतलब डिस्प्ले पे दर्शाया जा रहा है क्या चीज़ कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, ये देखिए यहाँ पे अद्भुत। तो ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन
मतलब ये बन के निकला, अभी भी इस पे काम बाकी ही है। चौक चौबन बहुत खतरनाक रहेगी। सीढ़ी स्ट्रेस, मतलब सीढ़ी इधर से है और जलपान उधर, वो फूड कोर्ट 140 सीढ़ी, देखिए कैसे लोग मतलब लुफ्त उठा रहे हैं। बस ध्यान दें, अश्विन भाई आया हुआ है आज, ये देखिए जलपान फूड प्लाजा इस साइड की ओर चलते हैं इस 140 सीढ़ी से। तो दोस्तों हम जो है ये 140 सीढ़ी से ऊपर के साइड आ गए हैं और अब आपको यहाँ की चीज़ें दिखाते हैं। देखिए IRCTC हॉस्पिटलिटी हब, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाए। इधर भी ऊपर भी जल पान फूड प्लाजा, इसको थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऐसा कुछ है, ये यहाँ पे कुछ लोग बैठ के खा भी रहे हैं। कई सारी चीज़ें, शिशु देखभाल, प्रसाधन और क्या है यहाँ पे, लिफ्ट, देखिए लिफ्ट इस साइड है यहाँ पे, जिसको लिफ्ट से ऊपर आना है नीचे जाना है लिफ्ट से आए, जिसको उससे जाना है उससे जाए। ये सीढ़ी एक बगल से इधर से है, अभी इधर चलते हैं, इधर का सीन हम आपको दिखाते हैं। इधर थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, प्रतीक्षालय द्वितीय श्रेणी, प्रतीक्षालय उच्च श्रेणी, ये दिखाते हैं आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये फैन देखिए आप कैसा लगाया गया है। अब एंट्री भैया हो गई है सबकी, जिसको आना है घूमने वो आ सकता है। ये देखिए प्रतीक्षालय ऐसा है ये वाला और उच्च श्रेणी का प्रतीक्षालय आपको दिखाते हैं कैसा है। ये वाला तो बंद है यार, ये भी बंद है, ये तो लिफ्ट वाला एरिया, इधर उच्च श्रेणी वाला बंद है, जो कि वो काफी अच्छा होगा। ये सीढ़ियों के द्वारा आप नीचे इधर से जा सकते हैं। अब यहाँ से आप ये व्यू देखिए, बहुत ही जबरदस्त। देखिए तो यही दोस्तों, इतने दिन से मतलब ये बन रहा था। लाइटें देखिए कितनी सारी लाइटें छोटी छोटी लाइन से लगी हुई है, बिल्कुल जैसा दोस्तों इस साइड की ओर है सेम वैसा ही उस पार की ओर है। कुछ चीजें चेंज होगी बट लगभग सिमिलर सी चीजें हैं। अभी देखिए नीचे के साइड जो है वो काम किया ही जा रहा है उसको। चलिए उधर से चलते हैं उस साइड के जो निर्माण करके जाए उसको आपको दिखाते हैं। आइए जैसे इधर से चलते हैं। देखिए ये वाला भी काफ़ी चौड़ा मुझे लग रहा है कर दिया गया है, नहीं तो आपने अगर पिछली वीडियो में, काफ़ी टाइम पहले मैंने एक अंदर की वीडियो डाली तो छोटा सा ही गेट था दो इस साइड की ओर, देखिए ये वाला था, ये वाला हिस्सा मुझे लगा चौड़ा किया। अब इधर से आप इस वाले पॉइंट पर आ सकते हैं जो कि इधर नया निर्माण कार्य चल रहा है। थोड़ा सा पहले आपको यहीं से दिखाते हैं, इधर आ जाते हैं यार, बहुत हैवी वर्क चल रहा है। इधर से आपको चीज़ों को दिखाते हैं। अब देखिए ये सीढ़ी बन चुकी है और इधर एक 140 सीढ़ी लगी हुई है, ये देखिए यहाँ पे। थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखाते हैं, ये देखिए ऐसा कुछ स्टेशन है और यहाँ से ये वर्क देखिए। आइए इधर चलते हैं, इधर आपको दिखाते हैं। अभी इसको होने में दोस्तों करीब टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा बच बचा के चलते हैं यार। ये देखिए पुराना वो उधर के साइड है, प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 उधर। अरे यार वो वाली क्रेन्स कितनी हैवी यार, देखिए ये वाला लिफ्ट वाला ही एरिया है। अरे उधर के साइड तो टीन शेड लगाया भी जा रहा है। तो आइए दोस्तों चलते हैं इधर से नीचे के साइड, फिर चलते हैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ की चीजें दिखाते हैं, क्योंकि इधर काफी ज्यादा रिस्की है, काफी ज्यादा काम हो रहे हैं और हमने सेफ्टी कैप वगैरह भी नहीं लगाई हुई है तो इसलिए डर भी लग रहा है। तो चलिए आपको इधर से चलते हैं नीचे, इधर का भी आप काम निर्माण कार्य देखते जाइए। यहाँ से बाहर के साइड आप देख सकते हैं दिख रहा है इधर, ये पुराना वाला। अब यहाँ पे देखिए एक्सीलेटर कैसे मतलब ऊपर से आया हुआ है। यहाँ पे एक निकला पड़ा है, अब यहाँ से देखिए काफ़ी हैवी, मतलब ऊपर से तो और हैवी लग रहा है। देखिए
पूरा का पूरा जो है ये फ्रेम में ही नहीं आ पा रहा है। आइए चलते हैं उस पार, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हम जो है फुट ओवर ब्रिज पे आ गए हैं। यहाँ से आपको दिखाते हैं, देखिए इस साइड के बहुत भव्य जो एक शेल्टर टाइप का बनाया है बड़ा सा। इसमें जैसे यात्री आएंगे और उनके रुकने के लिए इसमें अच्छा खासा इंतजाम होगा, सारी चीज़ें सुविधाएं मिलेंगी, खाना पीना और टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ रहेगा। और ये देखिए, ये टॉयलेट्स है, मतलब स्टेशन परिसर का देखने में लगी है कि टॉयलेट से इतना अच्छा बनाया गया है ये। आइए यहाँ से आपको इस साइड की ओर दिखाते हैं। ये देखिए क्रेन्स, यार गजब हैवी क्रेन है भाई। अब ये पूरा का पूरा जो है फ्रेम में आ रहा है एकदम इतने दूर से। आइए इधर से चलते हैं उस पार, इधर के साइड देखिए दोस्तों। ये रेलवे ट्रैक जो है 3 नंबर पे इसको लगाया जा रहा है। इधर के साइड थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अरे यार कितना वो पटरी काटी जा रही है, उसका धुआं कितना खतरनाक उड़ रहा है। आइए अब इधर से चलते हैं नीचे, देखते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे से हम जो है फुट ओवरब्रिज से नीचे के साइड आ गए हैं। देखिए बहुत ही जल्दी ये जो है तैयार हो जाएगी। आइए अब चलें और आगे। अभी तो पटरी पे साइनिंग नहीं आई है, बहुत ही जल्दी जब ट्रेनों का आवागमन इस पर स्टार्ट हो जाए तो साइनिंग भी आ जाएगी। अब ऊपर सामने देखिए, काफी भव्य रेलवे स्टेशन में, ये देखिए ब्लैक कलर का लगाया भी जा रहा है। अब यहाँ से देखिए, उधर से हमने आपको स्टेशन के अंदर से दिखाया किस प्रकार से स्टेशन अंदर से भी लग रहा है देखने में, जो कि बहुत ही खूबसूरत। और इस पार्क से भी देखिए सेम ऐसे ही, एक दो सेम उधर के साइड भी वैसे ही। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए इतने हैवी हैवी मतलब वो है फ्रेम है, मतलब लगाई जा रही है कि ऊपर डर भी लग रहा था, इसी वजह से हम जो है इधर के साइड चले आए ऊपर, मतलब नीचे के साइड। अब देखिए ठीक इसके नीचे, बड़ा सही लग रहा है यार देखने में भाई। आप देखिए कैसे, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ऊपर, मतलब हर चीज़ रहेगा, फूड कोर्ट, शॉपिंग मॉल, ये सारी चीज़ें। और नीचे के साइड मतलब पब्लिक जो है अपनी यात्रा भी करेगी। ये वाला लिफ्ट वाला एरिया है, इधर एक सीढ़ी जो है इधर से उतारी गई है ऊपर के साइड सीट से। सेम ये बीच वाला थोड़ा सा एरिया छोड़ के, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, उस साइड की ओर भी बिल्कुल ऐसे ही इतने में ही निर्माण होगा, जितना इधर हुआ है उतना सेम इधर, जैसे इस पॉइंट तक हुआ है सेम वहाँ से भी स्टार्ट होगा, फिर आगे उतना होगा स्टार्ट। अब यहाँ से देखिए तो ये पीछे पूरा, ये देखिए इधर एक सीढ़ी है, इधर मुझे लगा 140 सीढ़ी नहीं रहेगी, काफी इतने बड़े में बन रहा है। यहाँ मुझे लग रहा है एक ऐसे गेट रहेगा छोटा सा उस एंट्री के लिए, ये बाकी पूरा ऐसे कवर्ड हो जाएगा। कितना सारा मतलब काम फैला पड़ा है, कम काम नहीं है भाई ऐसा रेलवे स्टेशन बन जाना। भविष्य में जो है इसको और बढ़ाया जाएगा, उधर की कई सारी चीज़ें जो है टूट जाएंगी। और यहाँ से आप सामने एक बार ये वाला व्यू देखिए स्टेशन का, कितना सही लग रहा है भाई ये पूरा एक बार। देखा दोस्तों आपने, हर जगह वैसे ऐसे देखिए इंडिकेट किया गया किधर से आप बाहर की ओर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों तैयारियां जो है एकदम की जा रही हैं, चल रही हैं। तो देखिए दोस्तों एक लिफ्ट जो है यहाँ पे रहेगी, जैसा उस साइड की ओर उतने में बनाया जाए निर्माण करके आया, वैसे ठीक इस पॉइंट से यहाँ से लगभग शुरू होगा, इधर के साइड ये पूरा इस पे ऊपर के साइड तैयार होगा। तो इधर की भी चीज़ें आप देख सकते हैं, जो ये देखिए बीच में एक पाइप जो है पानी के लिए ऐसे दौड़ाई जा रही है इस तरीके से ये। और वहाँ पर हमने, अगर आपने
फ्लाईओवर वाली वीडियो देखी मोहब्बर आवाज़ वाली, तो हमने आपको उधर से प्रवेश द्वार दिखाया था जो कि उधर के साइड से हुआ है, और फ्रंट पे हमने एक दिखाया जो कि राम मंदिर के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके राम भक्त जा सकते हैं। और ये सामने छत के ऊपर जो है देखिए सीट्स रखी गई हैं, जैसा कि हमने बताया भविष्य में वो वाला पॉइंट आप देख रहे हैं वहाँ तक है, तो ये सारी चीज़ें टूट जाएंगी और स्टेशन का विस्तार उस साइड की ओर होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये रेलवे की भव्यता, रेलवे स्टेशन की भव्यता, कितना भव्य निर्माण कार्य किया जा रहा है इस रेलवे स्टेशन का। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब उस पार, आपको हमने दिखाया किस प्रकार से क्या काम अभी मौके पर हो चुके हैं, बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों हम जो है इस साइड की ओर आए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड, इधर भी देख सकते हैं निर्माण कार्य एकदम जोरों शोरों पे इधर भी किया जा रहा है, और इधर भी कई सारी चीज़ें जो 40 सीढ़ी होती इधर के साइड रख दिया, पहले आप रेलवे स्टेशन के ठीक फ्रंट पे रखी गई थी। चलिए इधर से चलते हैं, आपको इधर की थोड़ी सी चीज़ें दिखाते हैं। ये देखिए इधर से मुख्य मार्ग किया हुआ है, जिसका वीडियो हमने कई बार डाला हुआ है, इसका कि लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट उधर से बहुत अच्छा बनाया गया है। अब इधर से आप देख सकते हैं इस साइड की ओर हमने नहीं दिखाया था, कितना खूबसूरत कितना अच्छा बनाया गया है देखने में। एक डिस्प्ले जो है देखिए वहाँ पे बड़ा सा लगाया जा गया है रेलवे के बारे में, जैसे कौन सी ट्रेन कैसे कहाँ जाएगी, अभी तो काफ़ी सारी ट्रेनें बंद है, काफ़ी सारी क्या एकदम बंद है ट्रेन वगैरह, अब 22-23 तारीख के बाद स्टार्ट होगी ट्रेन। आइए अब इधर का थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत इधर का भी दृश्य लग रहा है। तो ऐसा कुछ अपडेट हुआ है ये अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ये थी दोस्तों अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को लेकर किस प्रकार से मतलब निर्माण कार्य किस चरण में पहुंचा है, कितना बन चुका है, फेज़ 2 का निर्माण कार्य कितना हो चुका है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको दिखाया। फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।